हेलो एवरीवन, सलाम नमस्ते आदाब सत श्री अकाल केम छो, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपका भाई आपका दोस्त सुनील यशपाल और एक बार फिर से आप लोग मेरे साथ हैं आपके अपने चैनल बाबा बुट पे। और एक बार फिर से हूं मैं थाईलैंड की ब्यूटीफुल सिटी पत्या की वॉकिंग स्ट्रीट पर अपने घर रास क्लब के बिल्कुल बाहर। और यहां पर बैठकर ऐसी कोई अपडेट नहीं है मेरे पास में खास जो मैं आपके साथ शेयर करूं, लेकिन कुछ एक मेरे भाई हैं जो यहां पर लाइक मेरे से बहुत सारे क्वेश्चंस पुट अप करते हैं। हम लाइक हर ब्लॉग के बाद आप लोग बोल सकते हैं काफ़ी सारे लोगों इनके बाद मेरा व्हाट्सअप नंबर है, तो व्हाट्सअप पे काफ़ी सारे क्वेश्चंस मेरे पास में आते हैं। बहुत सारी चीज़ें जो लोग मेरे से पूछते हैं, जो लोग यहाँ पर ऑलरेडी आ चुके हैं वो लोग भी, और जो लोग यहाँ पर पहली बार आने वाले हैं वो लोग भी, तो यार उसमें से कुछ सवाल ऐसे होते हैं कि लाइक अबाउट कि भाई पत्या के अंदर ऐसी क्या क्या खास चीज़ें हैं जो हम वहाँ पर आने के बाद इंजॉय कर सकते हैं, ऐसी कौन कौन सी जगहें हैं जहाँ पर हम लोग जा सकते हैं, ऐसी कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जो हम लोग कर सकते हैं। नाइट लाइफ की बात करें तो ऐसे कौन कौन से क्लब्स हैं जहाँ पर जाकर हम लोग इंजॉय कर सकते हैं। तो यार इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे पास में होते हैं, और उसी के लाइक आप लोग अगर उन्हीं क्वेश्चंस की बात करें तो उसमें से एक जो क्वेश्चन है जो यार पिछले कुछ दिनों में सबसे ज़्यादा मेरे से पूछा गया है या पूछा जा रहा है वो है अबाउट स्काई डाइविंग। क्योंकि यार यहाँ पर आने के बाद काफ़ी सारे भाई हैं जो यार वाटर स्पोर्ट्स तो इन्जॉय करते करते हैं, उसके साथ में यहाँ पर पैराग्लाइडिंग भी होती है, वो भी लगभग मेरे सभी भाइयों को यहाँ पर पता है। क्योंकि मैंने आपके साथ शेयर किया था कि कोरल आइलैंड पर अगर आप लोग जाते हैं वहाँ पर टूर के लिए, अगर आप लोग जाते हैं वहाँ पर जाकर आप पैराग्लाइडिंग भी कर सकते हैं। लेकिन उसके साथ साथ जो पत्या के अंदर एक जो चीज़ अभी जो एकदम आप लोग कहते हैं हॉट फेवरेट यहाँ पर बन चुकी है अपने इंडियन भाइयों के बीच में, वो है यहाँ पर स्काई डाइविंग। तो यार स्काई डाइविंग को लेकर मैं काफ़ी दिन से ट्राई कर रहा था कि मैं स्काई डाइविंग की जो डिटेल्स है, स्काई डाइविंग कैसे हो रही है, किस तरह से लोग स्काई डाइविंग को यहाँ पर इंजॉय कर रहे हैं, मैं आपके साथ शेयर करूँ। तो यार मैं फाइनली क्या हुआ कि अभी से लाइक दो दिन पहले अपने ही फैमिली के एक मेम्बर है शुभम जो यहाँ पर पहुँचे थे, उनसे मेरी मुलाकात हुई यहीं पर रास के अंदर, और उन्होंने मेरे को बताया कि बाबा मैं अभी स्काई डाइविंग करके आया हूँ और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा स्काई डाइविंग का। तो उनके पास में यार बहुत ही ब्यूटीफुल सा एक वीडियो था स्काई डाइविंग का जो उन्होंने लाइक अगर आप स्काई डाइविंग के लिए जाते हैं तो अगर आप वहाँ पर चाहें तो वो लोग आपका जो वीडियो है, जो फोटोज़ हैं वो भी आपको देते हैं, वो लोग शूट करते हैं, उसके लिए शायद कुछ एक्स्ट्रा चार्ज भी यहाँ पर आपसे लिया जाता है। बट यार आप लोग यकीन मानिए, अगर आप लोग वो वीडियो और वो फोटोग्राफ अपने पास में रखते हैं, इट्स अ लाइफ टाइम मेमोरी फॉर यू, एक यादगार लम्हे आपके लिए हो सकते हैं पूरी ज़िंदगी, जिसको देखकर आप लोग प्राउड भी फील कर सकते हैं कि हाँ मैंने ये एक्टिविटी भी की थी। क्योंकि यार बहुत सारे लोग इस तरह की बातें पहले किया करते थे कि जितनी भी एडवेंचरस एक्टिविटीज होती है वो इंडियन के लिए नहीं है, इंडियन ये नहीं कर सकते, इंडियन ये नहीं कर सकते, कि भाई हम लोग सब कुछ कर सकते हैं। और अपने ही फैमिली के एक मेंबर ने ये चीज़ यहाँ पर प्रूव भी कर दी है यार, उन्होंने स्काई डाइविंग इंजॉय किया, स्काई डाइविंग करके वो जब आए लाइक बहुत ही खुश थे, उन्होंने जो उनका एक्सपीरियंस था वो मेरे साथ शेयर किया। तो मैंने उनको यार रिक्वेस्ट करी कि क्या आप ये वीडियो मेरे को दे सकते, तो ये वीडियो मैं अपने भाइयों के साथ शेयर करूँ। और ये चीज़ बता दूँ कि पत्या में भाई सबके लिए सब कुछ है, सब कुछ मतलब बहुत कुछ है, आप चाहें तो यहाँ पर आकर इंजॉय कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ, लाइक आप कैसे भी आना चाहें आप यहाँ पर आ सकते हैं। तो चलिए पहले मैं आपको दिखाता हूँ ये ब्यूटीफुल सा वीडियो जो अपने भाई जाकर आए हैं स्काई डाइविंग के लिए, तो आप पहले इंजॉय करिए ब्यूटीफुल सा वीडियो। Oh,
अरे ओ बाबूजी, किस्मत की हवा कभी नरम कभी गरम, कभी नरम नरम कभी गरम गरम, कभी नरम गरम नरम गरम। ओ बेटा जी किस्मत की। तो यार आज मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ यहाँ पर कि कौन कौन सी एक्टिविटीज यहाँ पर चल रही हैं, किस तरह से लोग यहाँ पर एंजॉय कर रहे हैं। आई होप जो वीडियो मैंने आपके साथ अभी शेयर किया, जो अपने ही फैमिली के जो मेंबर्स हैं जिन्होंने यहाँ पर स्काई डाइविंग एंजॉय करी, भाई एक बहुत ही यार यूनिक चीज़ है। और काफ़ी सारे मेरे भाई मेरे से ये चीज़ पूछ भी चुके हैं कि यार पत्या के अंदर जो स्काई डाइविंग होती है वो कहाँ पर होती है। तो आई होप ये जो वीडियो है देख के आपको आइडिया हो ही गया होगा कि ये स्काई डाइविंग कहाँ पर होती है और कैसे होती है और कितनी ऊंचाई से आपको छलांग मारनी है। इसके लिए जिगर तो चाहिए, लेकिन कहते हैं कि डर के आगे जीत है। तो आई होप आने वाले टाइम में जो मेरे भाई है वो ये जो स्काई डाइविंग है इसको जरूर ट्राई करेंगे। और इसके लिए आपको करना कुछ नहीं है यार, आप लोग यहाँ पर आए, जो भी आपके ट्रैवल एजेंट्स हैं, जो भी लोग अपने भाई यहाँ पर काम कर रहे हैं, आप लोग उनकी हेल्प ले सकते हैं। आप उनको सिर्फ ये बताइए कि हमको ये एक्टिविटी करनी है, वो आपको वहाँ से लेकर जाएंगे, आपके होटल से लेकर जाएंगे, पिक करेंगे, आपको वापस ड्रॉप भी देंगे। और जो एक्टिविटी के जो भी टिकट्स होंगे, जो भी फर्दर जो भी डिटेल होंगी, आप जो आपके ट्रैवल एजेंट्स हैं, जो भी मेरे भाई यहाँ पर काम कर रहे हैं, आप लोग उनकी हेल्प ले सकते हैं। और इसके अलावा मैंने आपको बोला कि आपने काफ़ी सारे फैमिली मेंबर्स यहाँ पर पहुँच रहे हैं पत्या के अंदर, और कुछ और मेंबर्स यहाँ पर अभी मेरे साथ फिलहाल राज क्लब के बिल्कुल बाहर ही मौजूद है, जो यहाँ पर पिछले 3 से 4 दिन से इंजॉय कर रहे हैं पत्या में। और यार मैं इनसे मिल नहीं पाया भाई, मिलने की ट्राई कर रहे थे, लेकिन यार हो सकता वो लाइक होता ना कभी कभी कि टाइमिंग मैच नहीं करता है, मैं पहुँचता हूँ तो ये लोग निकल जाते और ये लोग आते हैं तो तब तक मैं निकल गया होता। तो फाइनली आज भाइयों से भी मेरी मुलाकात हो गई, उनसे मैंने पूछा कि यार आपने 4 दिन में यहाँ क्या क्या किया। तो यार उन्होंने बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं जो यहाँ पर करी, बहुत सारी जगह पर वो लोग घूमने गए, अच्छी खासी शॉपिंग करी, क्योंकि यार आपको मैंने बोला कि जो भी इंडिया से आता है एक शॉपिंग की लिस्ट ज़रूर लेके आता है, यार आप सब कुछ भूल जाए लेकिन शॉपिंग किए बगैर अगर आप लोग घर चले गए तो नेक्स्ट टाइम आना बहुत मुश्किल हो जाता है मेरे भाई। तो चलिए अपने उन भाइयों से पूछते हैं कि कैसा रहे पत्या में उनकी ये 4 दिन और आने वाले दिनों में उनका क्या क्या प्लान है। तो चलिए आपको मिलवाता हूँ अपने फैमिली के कुछ मेम्बर्स से।
तो ये है यार आपकी फेवरेट वॉकिंग स्ट्रीट इन पत्या, और बिल्कुल रास क्लब के बाहर ही हम लोग मौजूद हैं अभी। और यहाँ पर मेरे साथ में अपने एक नहीं दो नहीं तीन तीन भाई जो यहाँ पर पहुँचे हैं जिनसे हरियाणा से। तो सबसे पहले सर आपका नाम? टिंकू बत्रा फ्रॉम जींद। टिंकू बत्रा फ्रॉम जींद, राइट भाई। मेरा नाम दमनप्रीत। दमनप्रीत आप भी? हम जींद से। हरियाणा तीनों जींद से। मेरा नाम संयम। संयम, अरे यार संयम, यहाँ पर अगर अपना संयम तो नहीं खोया ना भाई। तो यार सबके अपने अपने एक्सपीरियंस होते हैं, मैंने आपको बताया कि जो भी अपने भाई यहाँ पर पहुँचते हैं। तो चलिए मैंने सोचा कि अपने जब यहाँ पर एक्टिविटीज़ की बात करें, साइट सीन की बात करें, तो अगर अपने भाई यहाँ पर मौजूद हैं तो उनसे ये चीज़ पूछी जाएगी किस तरह से उन्होंने यहाँ पर आकर इन्जॉय किया। तो यार सबसे पहले बत्रा जी आप बताएंगे कैसे रहे आपके चार दिन? अरे चार दिन बहुत ही बढ़िया रहे, लेकिन इन सब चीज़ों से हमें मेन ये था कि हमें सिर्फ इन बाबा बूढ़ से मिलना है। सबसे मेन फर्स्ट ये चीज़ थी, एक्टिविटी या पटाया देखना बाद की बात है। हाँ। सबसे पहले हमारा मन था बाबा भाई से मिलना। थैंक यू सो मच भाई। तो लेकिन ओवरऑल जो चार दिन थे यहाँ पर आपने क्या क्या किया, कौन कौन सी एक्टिविटीज़ करी, किस किस जगह पर आप लोग घूमने गए यहाँ पर? सबसे पहले कोरल गए हम। हाँ, फर्स्टली हम पहले फुकेट गए। अच्छा, फुकेट हम फिफी आइलैंड गए। हाँ, फिर हम कोरल गए, कोरल सारी एक्टिविटीज़ की। राइट, बहुत अच्छा लगा। कैसा रहा कोरल? बहुत अच्छा, बढ़िया एकदम। यहाँ काफ़ी अच्छा क्राउड है जी। बाकी बाबा भाई क्या, यहाँ रास में बहुत अच्छा क्राउड है, बहुत अच्छा लगा। आगे इन्हें मिलकर तो बहुत ही अच्छा लगा। थैंक यू सो मच भाई। ओके दमनप्रीत जी अभी आपकी बारी। तो कहाँ कहाँ कोरल तो बट ऑब्वियस अगर बत्रा जी गए तो आप भी साथ में गए होंगे, तो इसके अलावा साइट सीन में और कहीं कोई लाइक? साइट सीन में सबसे जो बेस्ट है जो अपना सामने बीच है, तो मेनली देखा जाए तो वहाँ का जो सनसेट है मतलब मस्ट सीन। सनसेट तो पत्या का सनसेट तो ब्रो, अगर किसी ने वो नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा, कुछ नहीं देखा। दैट्स एक अलग चीज है। राइट, स्ट्रीट एक अलग चीज है, बट नेचर से जो लव है वो अलग चीज है। अगर आप नेचर से लव करते हो तो आप सनसेट जो देखोगे। राइट, एंड फिर उसके बाद रात के समय, रात के समय जो हवा चलती है, वेव्स जो आती हैं, जो समंदर की लहरें होती हैं, उनको सुनोगे, मतलब बहुत काम फील होता है। और लास्टली अगर देखा जाए, मैं बेसिकली नेचर लवर हूँ, तो मैंने सुबह देखा तो हम अर्ली इन द मॉर्निंग थे ऑन द बीच। ग्रेट, और फिर हमने वही सब देखा, हमने मॉर्निंग वॉक भी की है, रन अप भी लिया है, और बहुत नहीं दिखा पाया बिकॉज वो थी सुबह में 5 बजे और 4 बजे मैं क्लब फिनिश करके जब घर गया। मैंने सोचा भी कि आपके साथ मैं वो जरूर शेयर करूंगा, बट यार अनफॉर्चुनेटली मैं सो गया और आपको नहीं दिखा पाया। लेकिन अपने भाइयों की जो एक्सपीरियंस है वो आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। तो संयम नाउ फाइनली आप बाबूड़ जी ने बताया कि अगर हम यहाँ आए शॉपिंग नहीं करी तो क्या फायदा। लंबी लिस्ट लेके आए हैं शॉपिंग करने के लिए। यहाँ लोकल मार्केट है, बहुत अच्छी मार्केट है, उसके बाद यहाँ मॉल है टर्मिनल 21। यहाँ हर एक कंट्री को रिप्रेजेंट किया होगा बहुत अच्छे तरीके से। right. खाना पीना सब बहुत बढ़िया है, जाओ शॉपिंग करो, मौज लो, घूमो फिरो, वेरी गुड, वेरी नाइस। और इसके अलावा जैसे यार यहाँ पर बत्रा जी यहाँ पर और भी बहुत सारे शोज हैं, जैसे यहाँ पर टाइगर पार्क है, लोग जाते हैं वहाँ पर फोटोज क्लिक कराते हैं टाइगर्स के साथ में। इसके अलावा डॉल्फिन शो है और अंडर वाटर वर्ल्ड है, फ्लोटिंग मार्केट है, तो इनमें से किसी जगह पर आप लोग गए यहाँ पर? टाइगर पार्क है। अच्छा, तो शेर के साथ पिक्चर क्लिक कराई? राइट, चलिए बहुत बढ़िया है यार। और दमन जी नेचर लव के अलावा एनीथिंग एल्स जो आपने यहाँ पर एक्सपीरियंस किया हो? सब कुछ एक्सपीरियंस के लायक ही था, फर्स्ट विजिट था हमारा। अरे ग्रेट, दैट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस, दैट्स रियली नाइस। तो ये मस्ट विजिट प्लेस है। थैंक यू सो मच। तो यार ये थे अपने भाई यहाँ पर जो यहाँ पर पहुंचे थे जींद हरियाणा से, और सबके यहाँ पर अपने अपने एक्सपीरियंस रहे। और ये एक मेरे भाई हैं यार जो बत्रा जी एक गिफ्ट लेके आए हैं, इट्स बत्रा हैंडलूम। तो यार बत्रा हैंडलूम है जिंद में और अपनी ही शॉप से बत्रा जी कुछ लेकर आए हैं। थैंक यू वेरी मच बत्रा जी फॉर दिस वंडरफुल गिफ्ट। ओके, दिस इज अ बेडशीट एंड टॉवल, थैंक यू सो मच। दैट्स रियली नाइस यार, थैंक यू सो मच। तो यार बहुत सारे भाई यहाँ पर आते हैं और बहुत सारा प्यार मेरे को मिलता है। थैंक यू सो मच फॉर दिस ब्यूटीफुल गिफ्ट एंड थैंक यू वेरी मच फॉर शेयर योर एक्सपीरियंस भाई, जो भाई आपने शेयर किया, बिकॉज स्पेशली दमनप्रीत द वे यू टॉक अबाउट नेचर, मैं पहले भी आप लोगों को यहाँ पर बता चुका हूँ कि पता है कि जो शाम है यार, पता है कि जो सनसेट है यहाँ पर, हर शाम को अलग अलग कलर आपको देखने को मिलेंगे। तो यार जब भी आप लोग पते आते हैं तो प्लीज़
अर्ली मॉर्निंग या फिर शाम के टाइम पर जब यहाँ पर सनसेट होता है तो थोड़ा टाइम जरूर निकालिए, क्योंकि यार नेचर को एंजॉय करने से अच्छा और कुछ नहीं हो सकता। जब आपके पास करने के लिए कुछ नहीं है, प्लीज आप लोग बीच पर जाइए, वहाँ पर शेक्स है, वहाँ पर चेयर लीजिए, वहाँ पर जाके लेट जाइए यार, कोकोनट वाटर एंजॉय करिए और साथ में एंजॉय करिए यहाँ पर ब्यूटीफुल सा सनसेट। तो यार ये थे अपने साथ में अपने तीन भाई जिन्होंने अपने साथ शेयर करे उनके एक्सपीरियंस की कैसा रहा यहाँ पर उनका पता है का ये ट्रिप। तो आई होप ये जो इनके एक्सपीरियंस है ये सुन के कहीं ना कहीं मेरे कुछ और भाई भी होंगे जिनका भी यहाँ पर आने का प्लान है ऑलमोस्ट बन गया होगा। तो आई होप उन भाइयों से भी अपनी जो मुलाकात है यहाँ पर बहुत जल्दी होगी। तो इसी उम्मीद के साथ मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए, आस पड़ोस का ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और डटे रहिए, भूलेगा नहीं। मेरा नाम है सुनील यशपाल, आपका भाई, आपका दोस्त, और मेरे साथ में मेरे यहाँ पर तीन तीन भाई। एंड लास्टली आई वांट टू से, अगर पताया आए हो और भाई से नहीं मिले तो आपने तो भी कुछ नहीं देखा। एक बार कंप्लीट नहीं है, एक बार भाई से जरूर मिले और पर्सनली सेइंग भाई का नेचर टू गुड। पताया जैसा नेचर है इनका। लॉकडाउन में भाई ने फुल इंफॉर्मेशन, हर तरह की इंफॉर्मेशन हर बंदे तक पहुंचाई। थैंक यू सो मच ब्रो। तो यार मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में। एवरीबॉडी डू टुगेदर, सी या सी या।